हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपर बैक स्पाइन में होने वाले पेन की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण आपको अपने शोल्डर मूवमेंट में पेन होता है, डीप ब्रीदिंग में पेन होता है या फिर सोते समय भी ये दर्द आपको अपनी अपर बैक स्पाइन पे फील होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रम्बोइड मसल पे होने वाले स्ट्रेन और पेन के बारे में। दोस्तों, रम्बोइड मसल्स हमारी अपर बैक स्पाइन से ओरिजिनेट होती है और हमारी कंधे की स्कैपुला पे जाकर अटैच होती है। इस मसल्स का काम हमारे कंधे को पीछे की तरफ होल्ड करना, कंधे को ऊपर उठाना और हमारे शोल्डर के काफ़ी मूवमेंट में होता है। अपर बैक स्पाइन की मोबिलिटी कम होने के कारण भी इस मसल्स पे स्ट्रेच रहता है और कभी कभार किसी वजन को उठा लेने के कारण इस मसल्स पे टीयर हो जाता है। टीयर होने पर पेशेंट को काफ़ी सीवियर पेन होता है अपनी अपर बैक स्पाइन पर, यानी कि चेस्ट के पीछे की तरफ, और कभी कभी ये पेन आपको चेस्ट के आगे की भी फील होता है। इस पेन को ज़्यादातर तब देखा गया है कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या फिर रात को सोकर उठते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस अपनी अपर बैक स्पाइन में हो जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम अब बात करेंगे कि इस टीयर के बाद में जो रिहैब एक्सरसाइजेस करनी होती है जिससे ये मसल स्ट्रांग होती है, वो एक्सरसाइजेस कौन सी होती है जिसके थ्रू आप घर बैठे अपनी इस मसल्स को स्ट्रांग कर पाएं। तो अगर आप इस वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, रोम्बोइड मसल्स के लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है जो सीधा आपकी रोम्बोइड ट्रैप्स को टारगेट करेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको उल्टा लेट जाना है और अपने फोरहेड के नीचे किसी पिलो को या फिर किसी टॉवल को रोल करके रख लेना है। इससे आपकी गर्दन पे लोड नहीं आएगा, एक्सरसाइज पे पूरा लोड आपका रोम्बोइड और आपकी अपर बैक स्पाइन पर आएगा। उसके बाद में आपको अपने हाथों को सीधा सीधा ऊपर उठाना है बिना कोहनी को मोड़े। जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ईजिली, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वहाँ तक लेकर जाना है और फिर 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर वापस नीचे की तरफ लेकर आना है। ऐसा करने से आपकी रम्बोइड मसल्स पे पूरा लोड पड़ता है और किसी भी टीयर के बाद में रम्बोइड मसल्स का स्ट्रेंथ होना बहुत ही जरूरी है, तो उसके लिए एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। आपको 5 से 10 रिपीटेशन लेने हैं। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, अगेन इसके अंदर पोजीशन आपको सेम रखनी है लेकिन इस बार आपको अपने हाथों में किसी स्टिक को रख लेना है और उसके बाद में पूरा ऊपर तक हाथ को उठाते हुए स्टिक को पीछे की तरफ लेकर आना है और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने स्टिक को पूरा सीधा रखा है और हाथ को ऊपर की तरफ से ले जाते हुए पीछे तक लेके गया हूँ और फिर वापस लेके आया हूँ। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि रम्बोइड मसल का काम होता है हमारे दोनों स्कैपुला को नज़दीक लेकर आना, स्कैपुला को और हमारे शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाना। तो हम मूवमेंट वही करेंगे, साथ में कुछ और एक्सरसाइज और वेट इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजों को आप थेराबैंड के साथ भी कर सकते हैं, उसके भी वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज है थेराबैंड के साथ में, जहां पर हम अगेन अपर बैक की मसल्स, हमारी रम्बोइड मसल्स और ट्रेपेजियस को टारगेट करेंगे। इसके लिए आपको थेराबैंड को सीधा पकड़ना है और अपने हाथों को खोलते हुए पीछे तक लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ध्यान ये देना है कि आपकी कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए और आपका पूरा लोड आपको अपनी अपर बैक स्पाइन पर फील होना चाहिए। आप हर एक्सरसाइज को खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप उसे ठीक कर रहे हैं या नहीं। एक्सरसाइज करते समय अगर लोड आपको अपर बैक स्पाइन पर आ रहा है तो इसका मतलब आप उस एक्सरसाइज को सही तरीके से कर रहे हैं, और अगर वो लोड कहीं और आ रहा है तो हो सकता है कि आप अपने शोल्डर की या फिर आप फोरआर्म्स की पावर लगा रहे हैं। तो आप अपने आप को करेक्ट करें और लोड आपका अपर बैक स्पाइन पर ही आना चाहिए। इन सभी एक्सरसाइज को दिन में 2 बार आपको रिपीट करना है। वहीं अगेन हमारी अगली एक्सरसाइज है थेराबैंड के साथ में, इसमें आपको हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइजेज आपकी सिर्फ रम्बोइड ही नहीं, आपकी ट्रेपेजियस मसल्स, आपकी शोल्डर की डेल्टोइड मसल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को शोल्डर पेन की शिकायत है, कोई मस्कुलर टीयर या फिर रोटर कफ का टीयर हो चुका है, वो भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है। इन सभी एक्सरसाइज के आपको दिन में 2 बार रिपीटेशन लेने हैं, दिन में 2 बार इन एक्सरसाइज को करना है और हर बार 10 से 15 रिपीटेशन आपको एक्सरसाइज का लेना है। थेराबैंड जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आप इजीली से कर पाएँ, आपको कोई पेन ना हो एक्सरसाइज करते हुए। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस कराना है कि आपको रम्बोइड या फिर ट्रेपेजियस का टीयर है तो ही आप ये एक्सरसाइजेस करें। कुछ और इंजरी के अंदर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका पेन और बढ़ सकता है, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। वही हमारी आखिरी एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी स्कैपुला जो बॉर्डर होती है वो दोनों नज़दीक आती है, रम्बोइड का काम होता है इन दोनों को पास में लेकर आना। तो मूवमेंट हम वही करेंगे लेकिन इस बार हम रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे थेराबैंड के साथ में। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने बैंड को पैर में अटका लिया है और पीछे की तरफ अपने दोनों स्कैपुला को श्रिंक करके पास लेकर आए हैं।
जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा करने से आपके रम्बोइड मसल्स पे स्ट्रेंथ आती है, लोड पड़ता है और वो मसल धीरे धीरे मजबूत होती है। तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज थी जब आपको अपर बैक मसल्स यानी कि रम्बोइड मसल्स पे कोई टीयर हो जाता है। टीयर के रिपेयर होने के बाद में मसल्स पे हमेशा सोरनेस और स्टिफनेस बनी रहती है। तो इस मसल्स को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे तो आपको पोस्चर की भी समस्या नहीं होगी, आपकी मसल्स भी स्ट्रांग रहेगी और फ्यूचर के अंदर आपको रम्बोइड या फिर अपर बैक की कोई इंजरी भी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।